रामचंद्र विश्वनाथ महाविद्यालय वहाँ पर इस बार पूरे प्रदेश में शासन ने जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए, मनासा में संजय आचार्य जो बेसिकली कुकलेश्वर के रहने वाले हैं, उनकी शिक्षा रामपुरा कॉलेज में हुई और उनको इस बार अवसर मिला है मनासा रामचंद्र विश्वनाथ महाविद्यालय कॉलेज के जन भागीदारी अध्यक्ष का। आज उन्होंने पदभार वहाँ पर ग्रहण किया। विधायक कैलाश चावला जनप्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे थे और आज पदभार उन्होंने ग्रहण किया। बड़ी चुनौती उनके सामने है कॉलेज के विकास को लेकर। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी हेमंत पंवार के साथ। के नए अध्यक्ष का नामांकन हुआ और आज हम सब उनके पदभार ग्रहण समारोह में उपस्थित हुए हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपने विचारों में बहुत सारी बातें हैं नवनियुक्त अध्यक्ष को बताई है, वो उनसे अपेक्षा भी की है। जो विकास के काम यहाँ चल रहे हैं वे उन्हें त्वरित गति से पूरा कराएं और आगे भी और विकास के काम हो ताकि छात्रों का विश्वास इस कॉलेज के प्रति बना रहे। मैं आशा करता हूँ कि जिस आशा से उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है उस आशा को पूर्ण निश्चित रूप से करेंगे। कुछ बातें जो मेरे समक्ष अभी आई है उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कॉलेज का विकास दो दृष्टि से होना है। एक विकास तो सुविधाओं का होना है और दूसरा गुणात्मक विकास भी होना है। इन दोनों की तरफ ध्यान दिया जाना आवश्यक है। जहाँ तक संख्या बढ़ने का सवाल है, ये संख्या केवल कॉलेज की बिल्डिंग से नहीं बढ़ी है। इस संख्या बढ़ने की जन भागीदारी समिति के पदभार ग्रहण का, तो मैं इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय से यही आग्रह करूंगा, जैसा प्राचार्य महोदय ने कहा कि वर्तमान समय में यहाँ एडमिशन बढ़े हैं तो इसके पीछे वो समय भी था जब 4 या 5 साल पहले, क्योंकि मैं भी लंबे समय से इस जनभागीदारी समिति का सदस्य रहा हूँ, ये विद्यालय छात्रों के अभाव में परेशान था कि हमारे यहाँ एडमिशन कम हो रहे हैं। पर कुछ न कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनी हैं कि यहाँ विद्यालय के में छात्रों की संख्या बढ़ी है। एक अच्छा अवसर है, अच्छा दिन है, पर एक अच्छे दिन पे एक अच्छी शुरुआत है। संजय जी आचार्य के रूप में मेरे मित्र महाविद्यालय जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पूर्व भी जब जब भी हमें यहाँ काम करने का अवसर मिला हमने पूरे सकारात्मक तरीके से कोशिश की कि कुछ व्यवस्थाएँ सुधरे और महाविद्यालय की पहचान क्षेत्र में एक सकारात्मक रूप से एक अच्छी पहचान बने और हम कहीं काबिलियत को परखने का एक अवसर मिला है। और मुझे उम्मीद है कि संजय भाई में बहुत काबिलियत है और संजय भाई इस काबिलियत का भरपूर उपयोग इस महाविद्यालय के विकास में लगाएंगे। और मैं एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करूँगा कि इस महाविद्यालय को आदरणीय विधायक जी के माध्यम से बहुत सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर जो मैदान था उस मैदान को भी अच्छा किया गया है, लेकिन इस परिसर में जो एक बिल्डिंग बनी हुई है वो बिल्डिंग कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मनासा में घुसते ही कि ये बिल्डिंग में आखिर हुआ क्या है। तो सबसे पहले अगर कोई एक प्रकल्प आप लें तो उस बिल्डिंग को सुधारने का प्रकल्प लें। ऐसे 2-2.5 साल पुराना ही हूँ, यहीं कहाँ पर काफ़ी लंबे समय से बाहर रहा हूँ। बड़ी खुशी हुई कि हमारे पापा के खास संजय अंकल को पद दिया गया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़माना बहुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है, रोज़ नए नए बदलाव हर क्षेत्र में, हम इकोनॉमिक क्षेत्र देखें, टेक्नोलॉजी देखें, एजुकेशन देखें, हर क्षेत्र में आ रहे हैं। और अगर सबका सार निकालें तो आज हमें समझ होगी, हमें जानकारी होगी, हमें शिक्षा होगी, तो हम इन हर क्षेत्र में आगे अपने आप को जिस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहे बढ़ पाएंगे। तो मूल सब चीज़ों में आगे बढ़ने की मूल वस्तु जो ज़रूरत है वो है समझ और शिक्षा, जो हमारे ये स्कूल कॉलेज महाविद्यालय देते हैं। आज शिक्षक दिवस भी है,
अनंत चतुर्दशी भी है, दो दो शुभ मुहूर्त हैं और शुभ मुहूर्त पे ये शुभ काम हुआ है। तो मैं भी आशा करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि मनासा क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए, जो आने वाली पीढ़ी के लिए, ये महाविद्यालय बहुत बड़ी सौगात साबित हो और नए ज़माने के हिसाब से नए टेक्नोलॉजी और नए शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बने। और इसी के साथ मनासा क्षेत्र, नीमच जिला, प्रदेश एवं देश आगे बढ़े और खूब तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत। जो जवाबदारी अजय जी ने निभाई, उसी जवाबदारी को एक कड़ी और आगे बढ़ाते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि अजय जी के साथ साथ पूरी समिति को लेकर इन 1700 छात्रों के विकास के साथ साथ सम्माननीय विधायक जी के विश्वास को और आगे बढ़ाते हुए भाई संजय आचार्य जी इस पूरे कॉलेज परिसर का समग्र विकास करने के लिए इस समिति के माध्यम से कार्य करेंगे। और चूंकि हम सब के पास ये बड़े बड़े मार्गदर्शक हैं, सम्माननीय सुनील जी हैं, संजय जी हैं, यहाँ उपस्थित नरेंद्र जी हैं, इन सभी के मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में यह कॉलेज प्रगति करेगा। इससे कॉलेज के छात्रों की उन्नति होगी और हम सब मिलकर, जैसा कि विवेक जी कह रहे थे कि इस कॉलेज का बदला हुआ स्वरूप देखेंगे और एक मिसाल ये कॉलेज साबित होगा। और इस कॉलेज से मेरा भी कुछ समय के लिए नाता जरूर रहा है। कुमार जी मेरे गुरु रहे हैं। मैं नीमच कॉलेज से BSc किया, परंतु एक जाट साहब प्रोफेसर थे, उनके ट्रांसफ़र फिजिक्स के, वो यहाँ आ गए थे, तो उनके साथ साथ मैं भी TC ट्रांसफ़र करवा के प्रैक्टिकल के नंबर के चक्कर में मैं भी यहाँ कुछ समय के लिए केवल एग्ज़ाम देने आया था। पुराना नाता रहा, भाई साहब की कृपा से कुछ समय की पूरी ही मैं जनभागीदारी समिति का सदस्य भी बना। उस समय की और अभी की परिस्थितियाँ बहुत चेंज है, प्रगति हुई है। और इस अवसर पर मैं यही आशा और विश्वास रखता हूँ कि ये प्रगति निरंतर बनी रहे। कॉलेज की जिस प्रकार से पहले अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं, उनके कार्यकाल पर नज़र डालो और आपको एक बड़ी जवाबदारी विधायक महोदय और पार्टी और शासन सौंपी है, किस तरीके से आप काम करेंगे? ये तो देश बदल रहा है, उसी तर्ज पर आज तो विकास के काम देखने को मिल रहे हैं। सम्मानीय विधायक जी ने जो मुझे जवाबदारी दी है और जो पूर्व अध्यक्षों ने जो यहाँ निरंतर विकास करवा रहे हैं, मेरा प्रयास ये रहेगा कि इसको और तीव्र गति से इसको मंजिल तक पहुँचाया जाए। जो बच्चों बच्चियों के लिए सुविधा नहीं है, सबसे पहले उस पर अमल किया जाएगा। जो फंक्शन के बारे में सम्मानीय विधायक जी ने जो बताया, उस पर भी अमल किया जाएगा। कोशिश रहेगी कि अभी 1700 बच्चे हैं, भगवान करे अगली बार 2700 बच्चे यहाँ एडमिशन लें, ऐसी व्यवस्थाएँ करते रहेंगे। सम्मानीय विधायक जी भी हमारे साथ है, लगातार कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में है, पूरे देश में है, तो मुझे नहीं लगता कि इस विद्यालय के विकास कार्य का अगर कोई भी एजेंडा हम सामने रखेंगे तो वो कहीं छुप जाएगा। इसलिए एक बड़ा सवाल है कि प्राध्यापकों की कमी यहाँ पर है, उसको आप किस तरीके से पूरी करेंगे और क्या आपके प्रयास रहेंगे? बिल्कुल, मुझे भी यहाँ पे आके मालूम पड़ा कि सबसे पहले यहाँ प्राचार्य महोदयों की अपने व्याख्याताओं की यहाँ पर कमी है। मैं इस मामले में विधायक जी के पास बैठकर, सम्माननीय प्राचार्य जी के पास बैठकर पहले उनसे जिस जिस सब्जेक्ट के वो नहीं है व्याख्या, उस मामले में विधायक जी से बात करके और फिर आगे शासन तक भेजेंगे और प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी यहाँ व्याख्याता की व्यवस्था हो जाए। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपको? बड़ा मज़ा आ रहा है साहब,